उल्टा कहाँ पकड़ा रहे हैं भाई इन लोग, ये देखो आ जाओ एक साथ ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों आज अपने कोई फिश को हमने कोई पॉन्ड में वापस डालने वाले हैं, क्योंकि ये जो 2 फीट का टैंक है वो हमारे गोल्ड फिश के लिए सम बनने वाला है। और गोल्ड फिश को फिल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसको अच्छा फिल्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो उसके वजह से उसमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं बहुत पहले गोल्ड फिश पाल चुका हूँ और बिना फिल्ट्रेशन के पाला था, मतलब स्पॉन्ज फिल्टर में, तो उसे बहुत सारी डिजीज़ हो चुकी थी। और मैं इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 2 फिट है इसको हम सम बना दें उसका। और हमारा टैंक और स्टैंड दोनों रेडी हो चुका है, और हमारा टाइल्स वाला काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है जो काम करने वाले होते हैं टाइल्स वाले, वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घुमाते फिराते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। लेकिन हमारा टैंक बन चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे ही पहले सेटअप करते हैं, उसके बाद हम अपना कोई पॉइंट को देखेंगे। और मैं आपको अपना टैंक भी दिखा देता हूँ कि देखो ये सब जो आपको दिख रहा है ये हमारी एरवाना ने किया है। ये देखो भाई, ये पता नहीं अभी भी जंप कर ही रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसके बॉडी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, अब पहले से तो बेटर हो चुकी है। और इसके फिन्स भी वापस आ रहे हैं, देखो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये देखो स्मूथ हो चुकी है भाई ये पूरी अब। और आपको दिखाता हूँ खतरनाक आरटीसी, ये देखो खा के मोटी हो चुकी है बहुत ज़्यादा बड़ी, और बाकी सब तो सब बढ़िया ही है और कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाला टैंक तो बहुत ही बढ़िया रहता है, तो हम जल्दी से इसे निकाल लेते हैं और इसे वापस अपने कोई पॉइंट में डालते हैं। और मैं आपको कोई पॉइंट दिखाऊंगा तो आप लोग डर जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक का वहाँ सामान हटाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी फिलहाल वो ठीक है टैंक, उसमें शार्क तो रह ही रही है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमारा पॉइंट कैसा है और उसकी हालत कैसी। हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन पानी वगैरह सब बढ़िया है। मैं चलता हूँ आपको लेके। तो ये देखो भाई, ये है हमारा कोई पॉइंट, और यहाँ पे देखो हमने हटाने की कोशिश की है वहाँ से कुछ प्लांट्स, और यहाँ पे पूरा लगने वाला है टाइल्स, और इसमें भी टाइल्स लगने वाला है ब्लैक कलर की। और देखो यहाँ शार्क, भाई शार्क इधर देख, शार्क तो देख नहीं रही है हमारी, तो हम वापस इसमें डाल देते हैं। और देखो भाई कचड़ा हो गया वहाँ पे, पता नहीं कौन फेंक के जाता है भाई ये सब कचड़ा को, वो दिख रहा होगा वहाँ मेलोडी पड़ी हो भाई, पता नहीं कौन है ये आदमी यहाँ जो फेंक के जाता है। और यहाँ पे देखो कचड़े भी हो चुके हैं, और मैं इसे साफ़ नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जल्दी से हो जाएगा, लेकिन यार अब तो कुछ नहीं कर सकते, फिर से हम इसका पानी नहीं निकालेंगे, तो हम डाल देते हैं उसे एक्लिमेट करके हमारी फिशेस को, और चलते हैं उसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमने सारा सामान ले आया है अपना, देख सकते हैं ये भी ले आया है, क्योंकि हम इसी का पानी डालेंगे अभी इसमें और उसके बाद एक्लिमेट करेंगे हमारे पॉइंट पे, क्योंकि अंदर और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए हमें एक्लिमेट करना ज़रूरी है। और भाई हम इसे 2-3 बार बाहर अंदर कर चुके हैं, तो एक्लिमेशन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि इन्हें कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हार्डी फिश होती है, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों ले ही ले। और ये भी देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टैंक थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, वैसे गंदा नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल भी, लेकिन जो ऊपर का सेटअप वगैरह है ये सब ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, और मैं इसको ढंग से क्लीन नहीं कर पाता, क्योंकि यार ये ग्लास की वजह से अगर मुझे कुछ करना होगा तो ये पूरा चीज़ मुझे हटाना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फिर से दूसरा, या फिर कुछ हल्का चीज़ रखना पड़ेगा, या उसके ऊपर कुछ सामान रखना पड़ेगा ऐसा कुछ, क्योंकि यार इससे हटाने में दिक्कत होती है। और इसमें होल भी कराना है यहाँ पे कहीं पे, ताकि खाना हम दे तो कम से कम खाना तो इसे अच्छी तरीके से मिल सके, क्योंकि मैं अभी साइड से डालता हूँ, और साइड से डालने से देखो भाई यहाँ पे लग जाता है उसका प्रॉन्स, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। पता नहीं मैं इतना बड़ा सा क्यों मैं ग्लास लगवा दिया था, लेकिन कोई नहीं, हम उसमें होल करवा लेंगे, और इसको चेंज भी वैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम होल कराएंगे 2-3 जगह, यहाँ पे वहाँ पे, तो इसे भी लेके जाएंगे कल। और हमारा टैंक तो बन ही चुका है, मैं आपको कल उसकी वीडियो पक्का दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कल हमारा स्टैंड आ जाएगा और टैंक भी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और इसे जल्दी से इसमें डालते हैं और छोड़ते हैं इसे इसके घर वापस। ये देखो भाई पानी आ रहा है बाहर, और ज़्यादा नहीं भरेंगे हम इसे, हम आधा भरेंगे सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद हमें इसे देने भी जाना है एक्वेरियम शॉप में, ताकि वो इसमें अच्छी तरीके से सम बना पाए। और हम कैसा सोच रहे हैं सम, ये 2 फिट का है, अरे भाई ये तो पूरे धूम मच गई यहाँ पे, ये 2 फिट का है, तो हम सोच रहे हैं हर 6 इंच में एक कुछ ना कुछ पार्टीशन दे, तो ऐसे करके हमारा 2-3 से 4 पार्टीशन बन जाएगा आराम से इसमें, 6 या 5 इंच का जैसे भी करके हम देखेंगे इसमें अपने हिसाब से, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर फिल्ट्रेशन और भी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, और फिर हम गोल्ड फिश लाएंगे बहुत ख़तरनाक वाली। तो आप लोग ज़रूर, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो मज़ेदार लाता रहता हूँ, और बहुत सारी एग्जॉटिक फिश जैसे आप लोगों को पता ही हमारे पास है ढेर सारी। अरे भाई ये भर गया, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो चलो इसको तो निकाल लिया मैंने, हथियार भी रेडी हो चुका है हमारा, और अब निकालते हैं हमारी मछलियों को।
चलो दोस्तों, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, तुम्हें पकड़ाना ही है आज। अरे उल्टा कहाँ पकड़ा रहे हैं भाई इन लोग। ये देखो, आ जाओ एक साथ ही आ जाओ भाई। भाई दो ही पकड़ाई है अभी तो, दो या तीन। ये देखो दो फिश पकड़ा चुकी है। ऐसे करके हमें सारी मछली निकालनी है, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक बार में आ जाओ भाई, सब आ जाओ। फिर से दो ही आई। अरे इस तरीके से मैं कुछ निकाल रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले सबको निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसे टब में डाल दिया है और ला दिया हमारे कोई पॉइंट के पास, और अब छोड़ेंगे हम इसे आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे छोड़ेंगे, ताकि इसका टेम्परेचर अच्छी तरीके से मेंटेन रहे और हमारे बाहर के टेम्परेचर से ये थोड़ा सा अडेप्ट हो जाए। देखो ये देखो, खतरनाक। तो छोड़ते हैं इसे आधे घंटे के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखो यहाँ पे इसके पास जा रहा है भाई, पानी इसमें ना भराना चालू हो जाए। ये देखो, चलो ठीक है, थोड़ा सा पानी डालने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए और मिलते हैं आधे घंटे बाद। दोस्तों आधे घंटे हो चुके हैं और अब रिलीज़ करने का समय आ चुका है, तो चलो इसे हम रिलीज़ करते हैं। और हम डायरेक्ट ही रिलीज़ कर देंगे और हम अपना पुराना टैंक का पानी भी डाल देंगे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने घर का पानी और मेरा टैंक का वाटर पैरामीटर्स मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे इसमें डाल देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ कमाल की चीज़ दिखाता हूँ भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आओ भाई, सब आओ। ये जो मछली है भाई, इसके आँख ब्लू है, ये मैंने आज नोटिस किया। ये देखो, दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाली जो फिश है हमारे पास, ये देखो, जा 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 जा, इसकी आईज ब्लू है भाई। अरे कितने उछाला भाई, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये देखो, इसकी आईज ब्लू है पूरे के पूरे। लेकिन कोई नहीं, चलो हम इसे रिलीज कर देते हैं बिना कोई देरी किए। हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा इसे उल्टा करके ऐसे डाल देंगे। Enjoy your day, bros. अरे जाओ भाई, इतना क्या पसंद आ गया है टब। देखो वापस से हमने इसे इसमें डाल दिया, और कबूतर उसका कलर देखो भाई, पूरा का पूरा डल हो चुका है। वाओ, खतरनाक। और अब ये रहेंगे कुछ दिन यहीं पे, और उसके बाद जब हमारा टाइल्स का काम असली में स्टार्ट होने वाला रहेगा, तब हम इसे निकालेंगे, नहीं तो हम नहीं निकालने वाले इसे। तो चलो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा टैंक आप लोग कल ज़रूर देखना, और स्टैंड भी देखना कि मैंने कैसे बनवाया और कितने बड़ा बनवाया और मुझे कितना प्राइस पड़ा, मैं आपको सब बताने वाला हूँ कल। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।